नमस्कार दोस्तों, आपने हमारे पिछले लेक्चर में देखा था फ्लिप फ्लॉप आउटपुट वेवफॉर्म्स फॉर द एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। उसमें बेसिकली जो फ्लिप फ्लॉप था वो एज ट्रिगर्ड था। आज बेसिकली हम देखेंगे कि अगर फ्लिप फ्लॉप लेवल ट्रिगर्ड है तो उस केस में आउटपुट वेवफॉर्म्स आप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो लेवल ट्रिगर्ड भी जैसा कि आप जानते हैं दो लेवल हो सकती हैं, पॉजिटिव लेवल और नेगेटिव लेवल, ठीक है। तो ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड हो सकता है और नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड हो सकता है। तो यहाँ पर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड का ले रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आपको आउटपुट वेवफॉर्म प्लॉट करनी है तो उस केस में जो पॉजिटिव लेवल है उससे आपको ये डॉटेड लाइन्स प्लॉट करनी पहले, ठीक है। ये डॉटेड लाइन्स जो आपका प्रॉब्लम है बेसिकली उसमें नहीं दी होंगी, ये बेसिकली मैंने ड्रॉ की हैं, ठीक है। तो जो लेवल है बेसिकली उसके दोनों, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड, उन दोनों पॉइंट पे आपने ये जहाँ पर लेवल है उसे उस जगह पे आपने लाइंस बना ली, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पर आपको और एडिशनल काम क्या करना होता है कि जो इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, जो इनपुट दिया हुआ है वो जो लेवल है उस लेवल के दौरान अगर कहीं चेंज हो रहा है तो उस जगह से और आपको लाइन ड्रॉ करनी होती है। क्योंकि लेवल ट्रिगर्ड है तो इसका मतलब ये है कि इस लेवल के दौरान अगर कहीं भी इनपुट में कोई चेंज होगा तो ये उसे आउटपुट में रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन एज ट्रिगर्ड में ऐसा नहीं होता था, वो सिर्फ एज पर ही चेक करता था इनपुट को और उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट एज पर चेक करता था, ठीक है। यहाँ पर इस लेवल के दौरान ये पूरा इनपुट को चेक करता रहेगा, अगर इनपुट में कहीं भी कोई चेंज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट में चेंज करेगा, ठीक है। तो हम जेके फ्लिप फ्लॉप का एग्जांपल ले रहे हैं, इससे समझने की कोशिश करते हैं। तो जेके फ्लिप फ्लॉप की वेवफॉर्म आपको हमें बेसिकली क्यूटी का बनाना है वेवफॉर्म। तो इसके लिए आपको इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जेके फ्लिप फ्लॉप की जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है क्यूटी प्लस वन, तो जब ये जीरो जीरो होता है तो क्यूटी होता है नो चेंज, जीरो वन होता है तो जीरो होता है, वन जीरो होता है तो वन होता है, और वन वन होता है तो क्यूटी बार होता है, जो पहले आउटपुट आया उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाना है। देख लेते हैं, इनिशियली हमने मान लिया इनिशियली आउटपुट है वो आपका जीरो है, ठीक है। तो इसके बाद अब आपको देखना है इस लेबल पर, इस लेबल में जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर जीरो है और इस जगह पर भी जीरो है और कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो जीरो जीरो में नो चेंज होगा तो ये आगे जीरो ही आएगा आउटपुट, ठीक है। और नेगेटिव लेवल पर ये कुछ चेक नहीं करेगा तो ये आगे तक ऐसे ही जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी जीरो रहेगा। यहाँ पर इनपुट में चेंज हुआ तो इससे आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ना है, बिकॉज ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है और ये नेगेटिव लेवल पे इनपुट चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ गए आप, अब इसके बाद देखिए यहाँ इनपुट है वन और यहाँ है जीरो, ठीक है। तो इस दौरान बेसिकली आपको ये आउटपुट देना है कि अगर इनपुट जे की वैल्यू वन और के की वैल्यू जीरो, जे की वैल्यू वन और के की वैल्यू जीरो, तो आउटपुट क्या होगा, वन होगा, तो ये वन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर इनपुट चेंज हो गया, ये तो वन ही रहा है और इस जगह पर आप देखें तो k की वैल्यू भी 1 हो गई, ठीक है ना। तो ये 1 1 हो गया तो ये क्या करेगा, 1 1 होने पर कॉम्प्लीमेंट हो जाना है, पहले जो आउटपुट आ रहा था वो उल्टा हो जाएगा, तो 1 आ रहा था तो वो 0 हो जाएगा यहाँ तक के लिए, ठीक है। अब आगे तो नेगेटिव लेवल है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो जो आउटपुट आ रहा है वही मेंटेन रहेगा, क्लियर है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देखिए इनपुट है 1, जे 1 और के भी इस समय 1 है, तो जो आउटपुट आ रहा है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो 0 आ रहा था तो वो 1 हो गया, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर जे हो गया जीरो, ओके तो वन है ही, तो जे जीरो हो गया तो आउटपुट आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर फिर चेंज हुआ है, तो इस समय जे है जीरो और के भी जीरो हो गया है, ठीक है। इस पॉइंट के लिए बेसिकली जो ये पोर्शन है इसके लिए क्या आउटपुट हो जाएगा, जीरो जीरो, दैट मीन्स नो चेंज, पहले जो आ रहा था वही तो वही आएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ कुछ और चेंज हो रहा होता तो उसके हिसाब से यहाँ कुछ चेंज हो जाता, ठीक है। उसके बाद यहाँ कोई चेंज होना नहीं है नेगेटिव लेवल पर, तो वो सीधे आगे ऐसे ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप आ गए, जे की वैल्यू यहाँ पर क्या है, जीरो है, और के की वैल्यू भी जीरो है, तो जीरो जीरो होगा तो नो चेंज, जो पहले आ रहा है आउटपुट वही रहेगा तो जीरो आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से चेंज हो गया है, जे हो गया है वन और के जीरो ही है, तो यहाँ से आउटपुट आपको चेंज हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव लेवल पर कोई चेंज नहीं होगा तो ये वन जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ वन जीरो, तो वन जीरो पे वन ही रहना है तो ये वन ही रहेगा, ठीक है। और आगे भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा तो वन ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर ये हो गया जीरो और जीरो, तो जीरो जीरो पे नो चेंज, ठीक है, जीरो जीरो तो नो चेंज, जो पहले जो आ रहा था वही आएगा, तो ये और आगे कंटिन्यू हो जाएगा यहाँ तक,
ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर जीरो और वन, तो इस जगह पर ये अब जीरो हो जाएगा, जीरो आगे इस तरीके से, क्लियर है। तो आपने देखा जो लेवल टिकट है उसका आप फंक्शन ही देख रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको एज कम्पेयर टू एस टिकट, ठीक। तो बेसिकली लेवल टिकट आपको कहाँ यूज करना है, एस टिकट कहाँ यूज करना है, डिपेंड करता है एप्लीकेशन पर। तो बेसिकली जो एस टिकट वाले फ्लिप फ्लॉप्स हैं, जहाँ सिंक्रोनाइजेशन की बात आती है वहाँ पर हम उन्हें यूज करते हैं, कि हमें कुछ सर्किट से उन्हें एक साथ ही उनका आउटपुट हमें चाहिए उस केस में। यहाँ पर हो सकता है कि आपको इंडिविजुअल अलग अलग यूनिट्स हैं, उन्हें इंडिविजुअली जैसे ही इनपुट आए वो आउटपुट दे दे, कोई सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में बेसिकली हम लेबल टिकट को यूज करेंगे, ठीक है। कि जैसे इनपुट आ रहा है और वो आउटपुट प्रोड्यूस कर दे और उसे किसी के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करना है बेसिकली, तो उस केस में आपको लेबल टिकट यूज करना होता है। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव लेबल टिकट किया था, इसी तरीके से आप नेगेटिव एस टिकट, नेगेटिव लेबल टिकट के लिए भी बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।